हमारे देश में प्रतिभागियों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो बस सही समय पर उन्हें प्रोत्साहित कर सम्मानित करने की, ताकि वह निरंतर समाज उत्थान के कार्यों में कार्यरत रहे। सामाजिक न्याय की श्रेणी में जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर भगवान लाल सहनी जैसे प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। Yes, it was my really honor, and I thank Bharat Gaurav Foundation for recognize my talent in the field of chemicals. The thing is very good that they are motivating these talents that will help in getting these ideas in a very larger. देखिए, भारत गौरव पुरस्कार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। 2012 में मुझे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और खेल के क्षेत्र में मुझे भारत गौरव पुरस्कार मिला, और आज भारत गौरव पुरस्कार की बदौलत में भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के महासचिव पद तक पहुँचा हूँ। इस पुरस्कार ने मेरे जीवन में बहुत ऊँचाइयाँ दी हैं, बहुत एक आम छोटे से ग्रामीण बच्चे को आज इतना बड़ा बनाया कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। खुद महाराज जी अयोध्या से यहाँ उपस्थित हैं, मेयर साहब हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी रहे, माननीय केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते जी रहे, और भी कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, OBC कमीशन चेयरमैन, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, बहुत सारे लोगों ने अपना आज साथ दिया। और ये परंपरा जो है पिछले 2017 से चली आ रही है निरंतर, आज वर्ष 2019 के लिए भारत गौरव पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ये मंच ऐसा मंच है जिसमें आप सबका सहयोग इसको और मजबूत बनाता है। मेरे जितने भी मीडिया बंधु हैं और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे लोग, ये आप लोगों का सहयोग है और आप लोगों की सहभागिता है जिसकी वजह से भारत गौरव पुरस्कार आज इतना बड़ा मंच बना है। हम भारत में वन नेशन वन अवार्ड, इंडियाज नोबल की बात करते हैं, उसके लिए सरकार को अपने साथ एसोसिएट करने की बात करते हैं, और सरकार हमारा समर्थन कर रही है। जो वंचित प्रतिभाएं हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं को आमंत्रित कर रहे हैं जो सरकार से सम्मानित हैं। पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित लोगों को हमने पुरस्कार दिए, अर्जुन पुरस्कार में दिया, द्रोणाचार्य पुरस्कार में दिया, पद्म भूषण तक को हम लोगों ने सम्मानित किया है। स्पिरिचुअल सेवा में माननीय महंत जी हमारे राजकुमार दास जी महाराज जी को आज हमने यहाँ सम्मानित किया। डॉक्टर पी के पाठसाने जी हैं, उड़ीसा से पूर्व सांसद भी हैं, उन्हें भी हमने सम्मानित किया है। जितने भी लोग आज यहाँ सम्मानित हुए, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उच्च और बहुत अतुल्य कार्य किए हैं। उनको सम्मानित करने से हमारा समाज का और हमारे देश का सबका गौरव बढ़ता है, और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको इस प्रकार आगे आना चाहिए और उनको लोगों को सम्मानित करना चाहिए। कोरोना काल के बाद ये जो भारत गौरव अवार्ड का पहला कार्यक्रम है, क्या अनुभव रहा है आज, क्या कहना चाहिए? देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 16 जनवरी को ये कहा कि कोरोना की वैक्सीन का आज से ट्रायल शुरू हो रहा है और कोरोना की वैक्सीन आज से लगेगी, और जो कोरोना की वैक्सीन की कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर वी के पॉल जी, वो भी आज यहाँ उपस्थित होने थे, पर प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार वो थोड़ा व्यस्त रहे तो उपस्थित नहीं रहे। और जब से 16 जनवरी से वैक्सीन को लेकर लोगों में चर्चाएं हुई हैं, तब से हम लोगों में एक हिम्मत जाग गई है कि जब हमारे देश का इतना मजबूत प्रधानमंत्री बैठा है तो हमें कोरोना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और देखिए, कोरोना काल है, अभी भी कोरोना है, लोग अभी भी संक्रमित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, लोगों ने इतनी भीड़ यहाँ पर रही, इतने सारे लोग रहे, लोगों ने अपना साथ समर्थन दिया, इससे महसूस होता है कोरोना पुरानी बातें हो गई हैं और अब हम लोग नए जोश के साथ और नई ताकत के साथ काम करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत ये बहुत ही खुशी की बात है कि खासकर इस समय जब कोरोना की महामारी के समय लोग परेशान हैं, एक अच्छी बात सामने आई है और बहुत लोगों को ये से प्रोत्साहन मिलेगा कि जब अच्छा काम करते हैं तो समाज आगे आकर उनको सम्मानित करता है, तो ये सबके लिए प्रेरणादायक। आज भारत गौरव फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, जो चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, या सरकारी सेवाओं में हो, चाहे न्याय क्षेत्र हो या प्रशासनिक हो, पुलिस का हो, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज सम्मानित किया, उसमें हमें भी भारत गौरव के रूप में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया। इस भारत गौरव फाउंडेशन को और इसके महासचिव आदरणीय डॉक्टर संदेश यादव जी को कोटिशा साधुवाद देते हैं। समाज में जो लोग हैं, जिसको जो सामर्थ्य भगवान ने दिया है, वो दूसरे के लिए कुछ करेगा, अपने लिए तो सब कोई कुछ करता है, लेकिन दूसरों के लिए जो किया जाए और जो क्षण दिया जाए वो महत्वपूर्ण होता है और अपने आप में एक अद्भुत क्षण होता है, और उससे एक आत्मसंतोष मिलता है, समाज उससे प्रेरणा ले। हमारे आदरणीय संदेश यादव जी ने जो स्तुत्य प्रयास किया है कि ये भारत गौरव सम्मान
जो विश्व का सर्वोच्च सम्मान है नोबेल पुरस्कार, उस तरह से भारत का एक सर्वोच्च सम्मान और शिखर सम्मान के रूप के प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। मैं शैलेंद्र भाटिया हूँ और गवर्नमेंट ऑफ यूपी का पीसीएस अफसर हूँ और नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट का मैं नोडल अफसर हूँ। और पहली बार लगा कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको लोग देखते भी हैं और जब वो कार्य को जब प्रोत्साहित करते हैं पुरस्कार देके तो वाकई मनोबल बढ़ता है। पुरस्कार वाकई एक मोटिवेशनल बूस्टर हैं। आज हमें जो मिला है तो मुझे प्रेरणा मिली है कि हम कुछ और आगे अच्छा करें और पूरी संदेश जी की पूरी टीम और पूरे फाउंडेशन को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामना और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।